हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, वर्तमान ओएवीएस ओडिशा आदर्श विद्यालय तरफ पुणी थे शिक्षक नियुक्ति आसी। तो यही अपन जो आसी वैकेंसी गुड़ाक सब रेगुलर पोस्ट एंड डायरेक्ट अपन रिक्रुटमेंट रही आपण मान पूर्व जो ओएवीएस आसी तो से सबकि सेम खाली यहाँ आप माइनिंग एरिया नियुक्ति र जॉब पे जो मैंने अप्लाई करेंगे माइनिंग एरिया रे चाकरी पाइबे। तो आम ओडिशा जो माइनिंग कॉर्पोरेशन अच्छी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन से एरिया रे आपन को नियुक्ति मिलिबो। तो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन एरिया रे पांचटी नुआ ओएवीएस स्कूल खोला जाइछि सेथिरे वैकेंसी रहिछि। तो से माइनिंग एरिया आप माने जानिछंती आमर सुंदरगढ़ जिला राउरकेला आमर माइनिंग एरिया अछि। तापर आपन रहिछि जाजपुर रे रही बरबिल केउंझर आ कलिंगनगर जाजपुर ता सहित रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट रायगड़ा माइनिंग एरिया अच्छे से एरिया आप मानको से एरिया रे जो स्कूल रही ओएवीएस स्कूल रही पांचटा ओएवीएस स्कूल आपको नियुक्ति मिले आपन से जगह चाकरी करेंगे आउ कि नुह। तो ये आप टोटल पोस्ट बाहर 45 पोस्ट बाहर। तो मुझे डिटेल्स कहबी ये आप देखो इम्पोर्टेंट डेट केव ऑनलाइन आरंभ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप एप्लीकेशन 1/4/2023 अप्रैल 1 रु आउ लास्ट डेट रोच आप 30/4/2023 30 अप्रैल लास्ट डेट रही आउ फी ऑनलाइन फी डिपोजिट करने लास्ट डेट रही 2 मे फी डिपोजिट करने लास्ट डेट रही। तो देखो ये आप पोस्ट टोटल रही 45 पोस्ट रही। तो पांचटा स्कूल सबुथर पांचटा लेखे वैकेंसी आसी। तो देखो प्रिंसिपल रे पांचटा रेगुलर पोस्ट आउ सैलरी 67,700 रुपीस। तापर आप टीजीटी समस्त पोस्ट टीजीटी इंग्लिश ओडिया हिंदी संस्कृत मैथमेटिक्स साइंस सोशल स्टडीज आर्ट समस्त पोस्ट पर आप मान 44,900 टंका सैलरी रही आउ सब रेगुलर पोस्ट ता सहित सबुथ पांचटी लेखाए पोस्ट आप वैकेंसी आसी। तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी मेंशन रही आप देखिपारे सबुथ पांचटा लेखे पोस्ट रही। तो ये आप यूआर पर दुटा लेखाए पोस्ट रही सब्जेक्ट व्वज एस सी बी सी गोटाए एस सी गोटाए एस टी गोटाए रही। एटा मानु कुआ जाइछि जे अपन जो माने भी टीजीटी पोस्ट में अप्लाई करिवे से मानुकु टीजीटी पोस्ट अप्लाई करिवे से मानुकु ओएसटीटी क्वालिफाई करते दरकार किंबा ओटीटी पेपर टू किंबा सीटेट पेपर टू क्वालिफाई करथिले एथि पे एलिजिबल हेइ पारिवे। ता सहित बीएड क्वालिफाई करथिबा निहाति आवश्यक अटे। तो एटा अपन क्वालिफिकेशन मध्ये मेंशन रहिछि ये क्वालिफिकेशन आपको मास्टर डिग्री करेंगे कि बैचलर डिग्री करेंगे आर्ट्स कि साइंस एलिजिबल रही सहित बीएड क्वालिफाई करेंगे सहित ओएसटीटी क्वालिफाई करेंगे कि ओटीटी पेपर टू कि सीटेट पेपर टू। तो ये आम क्वालिफिकेशन मेंशन रही है ऑलरेडी मुझे आपको पूर्व वीडियो कही आप क्वालिफिकेशन विषय में ये आप प्रिंसिपल रही मास्टर डिग्री करेंगे जेको यूनिवर्सिटी एटलिस्ट 45% मार्क थी इन एग्रीगेट ता सहित बीएड क्वालिफाई करेंगे एलिजिबल हो पारे आई कौन आपको टीईटी एग्जाम आवश्यकता ना। तापर ये आपन रही टीजीटी पोस्ट समस्त टीजीटी पोस्ट पे आप मानकर एठी कुआ जाइछि जे यूआर पिला मानकर ग्रेजुएशन रे 50% मार्क रहितबा दरकार इन एग्रीगेट ता सहित एससी एसटी एससीबीसी पीएच पे 45% मार्क थिले एथि पे एलिजिबल हेइ पारिबे किंबा आप मानकर एठी 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीए बीडी करथिले मते चलिबो किंबा बैचलर डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस थिबो ता सहित 50% एग्रीगेट यूआर पिला मानक पई आउ 45% एग्रीगेट एससी एसटी पी आम पीएच एससीबीसी पाई कनसर्न सब्जेक्ट 50% मार्क रहा निहाती आवश्यक मनकर आप टीजीटी इंग्लिश में अप्लाई कर 50% मार्क रही दरकार यूआर पर आउ आम एससीबीसी एससी एसटी पीएच 45% मार्क थी आप एलिजिबल
रहीपारे तो आमर सब्जेक्ट कम्बिनेसन देखा टीजीटी इंग्लीश से कही इंग्लीश अनर्स कि पास इलेक्टिव मेजर स्पेशल सब्जेक्ट जहाँ भी हो ग्रेजुएशन लेवल अप्लाई करेंगे। टीजीटी ओडिया सेम ओडिया आम अनर्स पास इलेक्टिव मेजर स्पेशल जहाँ भी थी ग्रेजुएशन लेवल एलिजिबल हो पारे। टीजीटी हिंदी कह बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विथ हिंदी एज अनर्स सब्जेक्ट थी किंबा आमर हिंदी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बीएचईडी कोर्स कंडक्ट होता सहित अपने हिंदी शिक्षण परंगत फ्रम केंद्रीय विद्यालय हिंदी संस्थान किंबा आग्रा बीएड करथिबे ताले थी एलिजिबल हेबे किंबा अपन बीए विथ अनर्स एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एज सब्जेक्ट फॉर 3 इयर्स ताले मध्ये एथमे एलिजिबल हे पारिबे। तो ये सहित कहुए बीए विथ अनर्स एनी सब्जेक्ट विथ राष्ट्रभाषा रत्न फ्रम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वारदा ठारे करते एलिजिबल हो पारे। तो आपको पीडीएफ मुझे देवी आप जाकि डिटेल्स बुझीपारे। तो टीजीटी संस्कृत सेम रही बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विथ संस्कृत एज अनर्स सब्जेक्ट और शास्त्री संस्कृत 50% एग्रीगेट यूआर पर अन्य मान 45% थी ताल आप एलिजिबल हेबे एंड आप शिक्षा शास्त्री संस्कृत करथिबे ताले थिमे एलिजिबल हे पारिबे। तर आप रही मैथमेटिक्स सेम रही अपने ये कह जा 200 मार्क आप कम से कम 200 मार्क आप एग्जाम देथिबे मैथ मैथ एज सब्जेक्ट विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या भितर जो दुटा थी ता सहित मैथ थी तपर आप रही किंबा आप बीटेक किंबा बी करथिबे 200 मार्क आप मैथ रे एग्जाम देथिबे एंड एनी टू ऑफ द फॉलोइंग या भितर जेकोसी दुटा फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स आउ इलेक्ट्रॉनिक्स भितर जेकोसी दुटा सब्जेक्ट रही आवश्यक। तापर टीजीटी साइंस कह बैचलर डिग्री इन साइंस हैविंग ऑल एनी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग माने ये जो देची बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस या भितर जेकोसी आप तीनोटी सब्जेक्ट थी आवश्यक। सोशल स्टडीज पे मध्ये रही आप रही वन मस्ट हैव ए सब्जेक्ट इन बीए इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 ए चारिटा भितर जेकोसी गोटे थी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स मध्य जेको गोटे सब्जेक्ट थी ता सहित यही 8टा भितर जेको गोटे थी आमर जो रही देखते ये रही हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमी इंडियन ज्योग्राफी लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री या भितर जेको अनर्स किंबा इलेक्टिव कि पास जहाँ भी हो या भितर गोटे से 4टा भितर गोटे जब रही आप दुटा सब्जेक्ट रही है एलिजिबल हो पारे। आउ आर्ट टीचर पर बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ता सहित प्रोफिशिएंसी इन ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम टीचिंग प्रोफिशिएंसी दरकार आउ कंप्यूटर नॉलेज थी आवश्यक अटे। आउ ये कहुई कैंडिडेट हैविंग स्पेशल बीएड और डीएड आर नॉट एलिजिबल स्पेशल बीएड डीएड मानक ये अलाउ करा जाउ नाही। तो ये आप एज विषय मेनसन कर एज रिलैक्सेशन विषय मेनसन तो एज लिमिट मैक्सिमम 5 इयर्स आम रिलैक्सेशन इन सर्विस कैंडिडेट वर्किंग एज टीचर अंडर स्टेट और सेंट्रल और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन मिलुछि। तो आम एग्जामिनेशन सेंटर ये आम देखु बालेश्वर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक राउरकेला एंड संबलपुर रे आप एग्जामिनेशन सेंटर रहिबो। आउ ए आप देखु आप्लिकेसन फी ये आम मेनसन करकेशन फी रही देखु प्रिंसिपल 2000 टंका रही आउ 2000 टंका रही आप्लिकेसन फी नॉन रिफंडेबल रही प्रिंसिपल 2000 रही एवं 1250 टंका आप मैं रही एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ये सब मानक रही आप
एससी एसटी पीडब्ल्यू पाई रही 1250 आपर यूआर पे आउ एससीबीसी पाई 2000 टका रही आमर टीजीटी पोस्ट पाई टीजीटी पोस्ट पाई बा टीचिंग पोस्ट पाई आमर 1500 टका रही यूआर एससीबीसी पाई आउ 1000 टका रही एससी एसटी पीडब्ल्यू मानक 1000 टका रही तो ये आप डिटेल्स आपत फिलअप कर रिगार्डिंग ये मेनसन रही तो ये सब आम किसी आवश्यकता ना ये आप सिलेबस आप पूर्व जो जानते सिलेबस पूर्व जहाँ रही बर्तन मत सेम रही है किसी अलग ना ये प्रिंसिपल ये मेनसन रही आप चालीस मार्क आसमर जो पेडागोजी सेक्शन रु आसुच्चर आप चालीस मार्क आसुच्छे ये आप कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस आसुच्छर आप तीस मार्क आसर पेडागोजी जो रही आसुच्छर आप पार्ट फोर में 70 मार्क आम फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन आसुच्छे इंटरव्यू आप 60 मार्क रोच प्रिंसिपल रोच कि टीजीटी पोस्ट में आप देखिपारे टीजीटी पोस्ट आप समस्त टीजीटी पोस्ट आप पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री हम तो से आप जानते पार्ट वन आम जो रही इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज पेपर 40 मार्क यहाँ आप केवल क्वालिफाइंग नेचर पर रोच इंग्लिश रु 20 ओडिया रु 20 रहिबो एथरे कोन कह जाइछि ना आप मानकु क्वालिफाइंग पई 40 रु 13 मार्क रखिले आप मानकु क्वालिफाई करिवे 13 मार्क रखिले क्वालिफाई करिवे तो एठी देखन आप मानकर तापर एठी आप मानकु कह जाइछि बाकी आमर जो रहिछि पार्ट 2 रे आप मानकर करंट अफेयर्स 30 रहउछि आ आप मानकर रीजनिंग 30 मार्क रखउछि आ बाकी आमर 100 मार्क रहउछि कंटेंट उपरे 100 मार्क आस कंटेंट एंड मेथोडोलोजी बा जो तार पेडागोजी क्वेश्चन मिसिकी 100 आसुच्छे आउ ये इंटरव्यू 40 मार्क रोच आर्ट टीचर ये कौन हम ना ये आम सेम ओडिया इंग्लीश 40 मार्क आसुच्छर आप 30 मार्क करेन्ट अफेयर्स आउ 30 मार्क आप रिजनिंग रोच आप 100 मार्क सब्जेक्ट रिलेटेड रोच आठ ये आर्ट टीचर 20 मार्क रोच परफॉर्मेंस टेस्ट रोच 20 मार्क इंटरव्यू रोच तो फ्रेंड्स ये किसी इंपोर्टेंट इनफर्मेशन जहाँकि सेयार कली तो फ्रेंड्स जब भिड भल लगी निहत गोटे लाइक करेंगे सहित अधिक रू अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक सेयार करेंगे तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।